क्या आपको पता है 15 मिनट नेगेटिव चीजों के बारे में सोचने से और चिंता करने से आपकी उतनी एनर्जी खर्च होती है जितना आप एक घंटा मजदूरी करो। क्या आपको पता है एक लड़की जो बहुत सुंदर होती है अक्सर सिंगल होती है, और एक लड़की जिसको खाना बनाना नहीं आता उनका ना मैरिज लाइफ बहुत अच्छा होता है। क्या अमेजिंग फैक्ट्स है ना। आज मैं आपको कुछ अमेजिंग साइकोलॉजिकल फैक्ट्स बताऊंगा जो आपका दिमाग हिला देंगे। गाइस ये वीडियो बहुत पावरफुल होने वाली है बिकॉज फैक्ट्स अमेजिंग है। वीडियो को एक लाइक कर दें। गाइस अक्सर आपने कपल्स में बेबी बाबू बहुत ज्यादा सुना होगा। साइंस के मुताबिक एक फीमेल जब बेबी शब्द सुनती है तो उनके दिमाग में ऑक्सीटाइन केमिकल रिलीज होता है जिससे वो रिलैक्स फील करती है। गाइज अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके लाइफ का सबसे बेस्ट पर्सन कौन है तो आपके दिमाग में सबसे पहला चेहरा जिसका आता है वही आपके लाइफ का बेस्ट पर्सन है। अब किसी के दिमाग में उनकी गर्लफ्रेंड आई होगी, किसी के दिमाग में उनका बॉयफ्रेंड आया होगा, लेकिन जिनके दिमाग में उनके पेरेंट्स आए होंगे ना, ट्रूली यार वो लेजेंड है, वो रियल हीरो है। कमेंट करके बताना किन किन के दिमाग में उनके पेरेंट्स आए हैं। क्या आपको पता है जहाँ प्यार करने में लोगों को 5 सेकेंड का वक्त लगता है वहीं सर्वे के अनुसार प्यार को भुलाने में नॉर्मली 88 डेज लग जाते हैं। तो लड़के और लड़कियों प्यार बहुत ही ज़्यादा सोच समझ के करो वरना 88 डेज में आपका ये हाल हो सकता है। जो व्यक्ति अकेले बिस्तर पर फैल कर सोता है उनका माइंड बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होता है, लोग उनके विचार बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। तो अगर आपके साथ कोई भी इंसान सोता है तो उसको भगा दो और बोलो कि मैं अकेले सोऊंगा, और पूछे क्यों तो रीज़न बता देना। अगर आप एक सिंगल पर्सन हो और एक अच्छा जीवन साथी चाहते हो तो बिल्कुल वैसा बनने की कोशिश करें जैसा आप जीवन साथी चाहते हो। इससे बहुत ज़्यादा चांसेस हैं आप वैसे जीवन साथी को अट्रैक्ट कर सको जैसा आप चाहते हो। साइकोलॉजी के मुताबिक अगर आप कोई बड़ा काम करने जा रहे हो और उसमें आपका कोई भी साथ नहीं देता है तो मुबारक हो, उसमें आपके सफल होने की संभावना बहुत ज़्यादा है। ये कुछ इस तरह हो गया, कोई साथ न दे मेरा चलना मुझे आता है, हर आग से वाकिफ हूँ जलना मुझे आता है। अगर आपको घर में किसी से बात मनवाना हो तो कभी भी पॉइंट टू पॉइंट बात मत करो, उनके फायदे गिनवाओ। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको YouTube स्टार्ट करना है तो आप उनको बोल सकते हो पापा YouTube से ना करोड़ों रुपए छापे जा रहे हैं आजकल, YouTube में ना बहुत ज़्यादा फेम है, लोग सेलिब्रिटी बन जाते हैं, मुझे YouTube स्टार्ट करना है, प्लीज़ माइक का पैसा दे दो ना। अकॉर्डिंग टू द साइकोलॉजी रात के 3 से 3:45 का समय बहुत ज़्यादा खतरनाक माना जाता है, क्योंकि जितने भी प्राकृतिक आपदा होते हैं उनकी शुरुआत इसी टाइम में होती है एंड जितनी भी मौतें होती हैं मैक्सिमम मौतें इसी वक्त में होती हैं। जब आपका मन अक्सर भटकता रहता है तो 85% चांसेस हैं कि आप सबकॉन्शियसली दुखी हो। वेल कई बार ऐसा होता है कि हमें पता नहीं होता कि हमारे साथ हो क्या रहा है, आप क्यों दुखी हैं, लेकिन हम सबकॉन्शियसली दुखी होते हैं एंड हम फोकस नहीं कर पाते हैं। तो समझ जाओ अगर आप फोकस नहीं कर पा रहे हो तो आप सबकॉन्शियसली शायद दुखी हो। क्या आपको पता है ये एक साइकोलॉजिकल फैक्ट है कि जब हम किसी के लिए तड़पते हैं तो वो इंसान या कोई भी इंसान हमारे साथ रहने को पसंद नहीं करता, लेकिन जब हम खुश रहने लगते हैं, अकेले ही खुश रहने लगते हैं, तो हर कोई हमारे साथ रहने का मन बनाने लगता है। दैट्स व्हाई मैं आपको हमेशा बोलता रहता हूँ कि अकेले खुश रहना सीखो, अकेले खुश रहना सीखो। ये एक साइकोलॉजिकल फैक्ट है कि आपके क्रश या आपके लवर के सामने में ज्यादा अच्छा बनने का ढोंग आपको फ्रेंड जोन में लाकर खड़ा कर सकता है, इसलिए ज्यादा अच्छा ना बने, हमेशा आप नॉर्मल जैसे हो वैसे ही बने। और कुछ महान आत्मा लड़के तो इस केस में हद ही कर देते हैं, खुद को मजदूर बना देते हैं और क्रश को महारानी बना देते हैं। फ्रेंड्स आपने अक्सर देखा होगा कि रूल्स जितने तगड़े होते हैं, जितने ज़्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं, उसको तोड़ने का मन उतना ही ज़्यादा करता है। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई मूवी बैन हो जाती है तो लोग सबसे ज़्यादा उस मूवी को देखने लगते हैं, ऐसा क्या है उस मूवी में। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई बुक बैन हो जाता है तो लोग सबसे ज़्यादा उसी को पढ़ते हैं। रीज़न ये है कि हमारे दिमाग को ना पाबंदियाँ पसंद नहीं है।
आजकल चैटिंग में लोग अक्सर ओके के ऐसे ऐसे वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं। क्या आपको पता है ऐसे वर्ड्स का इस्तेमाल करने से आपका इम्प्रेशन डाउन होता है, सामने वाला समझता है कि आप शायद ज़्यादा ही बिजी हो, उसको वैल्यू नहीं दे रहे हो, एंड इस वजह से वो भी आपकी वैल्यू नहीं करने लगता है। अब लौंडे लोगों को ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है कि लड़कियाँ हर बात पर करती रहती हैं, हर बात को एंड कर देती हैं बोल के। ये ना बहुत ही विश्व स्तरीय प्रॉब्लम है ना गाइज, कमेंट करके बताना। हे गाइज, आपने अपने भाई समर को इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया? जाओ फॉलो करो, मिस्टर ओशन 25 आईडी है एंड लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। बात करना चाहते हो एंड मोटिवेशनल कंटेंट देखना चाहते हो, जाओ फॉलो करो। अगर आप कम रोशनी वाले कमरे में आईने या किसी कांच के सामने खुद को 10 मिनट तक लगातार देखते हो तो आपको हार्ट अटैक आने की संभावना हो जाती है। पता है क्यों? क्योंकि इसके बाद ना आपका दिमाग आपके वश में नहीं रहता, वो इमेजिनेशन की दुनिया में चली जाती है, और इमेजिनेशन ना बहुत ज़्यादा भयानक भी हो सकता है। गाइज, अगर आपका दिल कमज़ोर है, इवन मजबूत भी है, तो इसे ट्राई मत करना कभी भी। जैसे WWE में होता है ना, डोंट ट्राई दिस एट होम, प्लीज़ ट्राई मत करना। क्या आपको पता है, ये एक साइकोलॉजिकल फैक्ट है कि जिन घर के लड़के लड़कियों पर ज़्यादा लगाम लगाया जाता है, अपने इमोशंस अपने थॉट्स थोपे जाते हैं, उन घर के लड़के लड़कियों के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं कुछ गलत कदम उठाने के। जबकि जिन घर के लड़के लड़कियों को उतना ज़्यादा फोर्स नहीं किया जाता है कैसे रहो, वो बहुत सही तरीके से रहते हैं। आपका प्यार सच्चा है या झूठा, इससे आप टेस्ट कर सकते हो। आपकी क्रश है, आपकी गर्लफ्रेंड है, जो भी है, अगर आपने उसे कभी झूठ बोला है, अगर वो झूठ आपने उससे छुपाने के लिए कुछ बोला है, तो आपको उससे प्यार नहीं है। क्योंकि अगर आप किसी से प्यार करते हो तो उससे आप कभी भी झूठ नहीं बोल सकते, ये एक साइकोलॉजिकल फैक्ट है। अब झूठ किसी अच्छे रीज़न की वजह से भी बोले जाते हैं, मे बी उससे किसी का भला हो, बट अगर आप खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए झूठ बोल रहे हो तो इसका मतलब आपको उससे प्यार नहीं है। स्लीपिंग ब्यूटी सिंड्रोम एक ऐसी बीमारी होती है जिसमें इंसान 20 घंटे से ज़्यादा सोता रहता है। वैज्ञानिक कहते हैं कि उसका दिमाग हमेशा नींद में ही रहता है। अब ये जो फैक्ट बताऊंगा उसमें आपको बहुत ज़्यादा हंसी आएगी, एंड मुझे भी लिटरली बहुत ज़्यादा हंसी आ रही है। बोन ट्रोपी करके एक ऐसी बीमारी है, ये बीमारी जिस भी शख्स को होती है उसको लगता है कि मैं गाय या भैंस हूँ। क्या आपको पता है, साइकोलॉजी ने भी ये प्रूव कर दिया है कि पैसे के बिना आप कुछ भी नहीं हो, बिना पैसे कोई इज्जत नहीं, और बहुत ज़्यादा पैसे यानी बहुत ज़्यादा इज्जत। इसी के हिसाब से एक और फैक्ट, साइकोलॉजी के हिसाब से लोग आपको सिर्फ दो वजहों से पसंद करते हैं। पहला, अगर आप बहुत ज़्यादा सुंदर हो। दूसरा, अगर आप बहुत ज़्यादा कामयाब हो। अगर आप सपने में कोई हादसा देखते हो, कोई दुर्घटना देखते हो, या फिर किसी की हत्या होते हुए देखते हो, तो आपको अपने दुश्मनों से सतर्क हो जाना चाहिए। साइकोलॉजी कहती है कि आपका दिमाग, आपका सबकॉन्शियस माइंड पहले ही आपको साइन दे रहा होता है कि आप पर कोई खतरा मंडरा रहा है। या आपको पता है, मोस्टली जो सुंदर लड़कियाँ होती हैं अक्सर सिंगल होती हैं। पता है क्यों? अच्छा पता है, चलो ठीक है, नहीं पता। क्योंकि मोस्टली जो लड़के होते हैं वो पहले ही खुद को रिजेक्ट कर लेते हैं कि यार ये इतनी सुंदर है, मेरे से तो बिल्कुल नहीं पटेगी। बेटा, तुमसे ना हो पाएगा, हमें तुम्हारे लक्षण बिल्कुल ठीक नहीं लग रहे, तुमसे ना हो पाएगा। बाकी जो लोग बसते हैं उनको लगता है भाई इसका तो बॉयफ्रेंड होगा ही होगा, इतनी सुंदर है यार, जिस वजह से उसको बहुत कम लोग अप्रोच करते हैं एंड वो सिंगल रह जाती है। गाइज, आई होप आपको फैक्ट्स मज़ेदार लगे होंगे। बाकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम है, परेशानी है, एडवाइस चाहिए, मेंटोर की जरूरत है, माई टिप्स की कंसल्टेंसी सर्विस यूज़ करें, थोड़ा सा भी करना पड़ेगा, लेकिन कंटेंट बहुत ही ज़बरदस्त मिलेगा, क्योंकि पर्सनली मैं वहाँ पर आपसे बात करता हूँ एंड आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करता हूँ। सब्सक्राइब करें ऐसे वीडियो देखने के लिए, बेल आइकन जरूर दबाएं, सब्सक्राइब नहीं करें तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, लव यू।